नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि डीसी मोटर की गति किस पर निर्भर करती है, डीसी मोटर की गति कैसे बढ़ाएंगे और कैसे घटाएंगे, और किन किन तथ्यों पर निर्भर करती है, डीसी मोटर की गति होती क्या है। ठीक है, तो डीसी मोटर में जो गति होती है उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए सभी डाउट को क्लियर करते हुए आज इस डीसी मोटर की गति का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, एक एग्जाम डीसी प्रत्येक एग्जाम में डीसी मोटर पर एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को स्किप मन न करते हुए वीडियो को लास्ट एंड देखते रहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आज क्लियर होने वाला है। आज एक क्वेश्चन का सभी डाउट क्लियर होंगे और आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन नहीं आया तो बताना कि सर डीसी मोटर की गति पर कभी क्वेश्चन नहीं आया, तो अवश्य क्वेश्चन आता है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट एंड तक देखते रहिए और अपने क्वेश्चन को सोल्व करते रहिए। तो चलिए देखते हैं डीसी मोटर की गति क्या होती है। देखो, डीसी मोटर की गति के बारे में पढ़े तो आप लोगों ने देखा था कि डीसी मोटर में सबसे पहले ये देखा कि दो पोल होते हैं, दो कम से कम दो पोल होंगे, ये देख लिया आप लोगों ने। और पोलों पर क्या होगी, पोलों पर वाइंडिंग होगी, ये एन पोल होगा और ये एस पोल होगा। अब ये एन पोल होंगे मतलब यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स निकलेगा, एन से एस की ओर जाएगा, कब निकलेगा जब इस पर वाइंडिंग करेंगे। वाइंडिंग का काम क्या रहेगा, वाइंडिंग में जब विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे तो पोल चुंबक बन जाएंगे। वाइंडिंग का ये काम है, जब इस वाइंडिंग में विद्युत धारा सप्लाई प्रदान करेंगे तो ये पोल क्या बन जाएंगे, ये चुंबक बन जाएंगे। ये वाइंडिंग दिखा दी, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग। और ये पोल, ये मैग्नेटिक पोल होते हैं। अब इसमें विद्युत धारा, देखो आप लोग कम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कम चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा, और अधिक करेंगे तो अधिक चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा। इसका मतलब ये जो चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा ये किसके ऊपर डिपेंड होगा, ये इस वाइंडिंग में विद्युत धारा के ऊपर डिपेंड होगा। अब विद्युत धारा वाइंडिंग में कब घटेगी, कब बढ़ेगी, किसकी घटेगी, किसकी बढ़ेगी, ये मोटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मोटर पढ़ेंगे तब बताएंगे कि किस मोटर की फील्ड वाइंडिंग में धारा घटी या किस में बढ़ी, क्योंकि शंट मोटर में स्थिर रहती है, सीरीज मोटर में घटती बढ़ती रहती है। तो अब इसके अंदर क्या रखेंगे, देखो इसके अंदर रखेंगे आर्मेचर, आपको पता है कि इसमें आर्मेचर रहेगा और आर्मेचर घूमेगा, ठीक है ना। ये आर्मेचर चालक होंगे, ये आप लोग देख चुके हो अच्छी तरह से कि डीसी मोटर का जब तीन चार वीडियो आप लोगों ने देख लिए, नोट्स बना लिए, आप लोग समझ गए होंगे ये आर्मेचर चालक होंगे। अब आर्मेचर चालक ये क्या रहेगा, ये आपका कम्यूटेटर रहेगा, ये बीच में ये कम्यूटेटर रहेगा और बीच में शाफ्ट रहेगी। ये तो था आपका इसकी संरचना। अब देखो ये क्या है, ये आर्मेचर। अब आप लोगों ने देखा कि यहां जो कार्बन ब्रश लगा रखे हैं कम्यूटेटर के ऊपर, इनमें से विद्युत धारा सप्लाई प्रदान करेंगे अपन। यहां से मान लीजिए कि यहां प्लस लगाया या माइनस लगाया, डीसी प्रदान करेंगे, यहां माइनस लगाया डीसी, तो ये आर्मेचर घूमेगा। इसकी डीआर मान लीजिए कि क्लॉकवाइज होती है, डीआर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, घूमने की गति डीआर होगी। अब ये घूमेगा, आप लोगों को पता है घूमेगा तो यहां क्या होगा, ये चुंबकीय फ्लक्स इसको ये चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा, और काटेगा तो फेराडे का नियम सिद्ध होगा। अब क्यों घूमेगा, वो तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से घूमेगा। अब इसमें इसको ये चुंबकीय फ्लक्स काटेगा, इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा ईबी, वो फेराडे के विद्युत चुंबक के प्रेरण के नियमानुसार उत्पन्न होगा। इस ईबी की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। और ये डीओआर कैसे ज्ञात करेंगे, ये लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात करेंगे, एलएचआर से ज्ञात करेंगे। ये तो थी बात इनकी, लेकिन घूम गया ईबी का मान पता हो गया, ईबी उत्पन्न हो गया, ये आप लोगों ने पिछली वीडियो में अवश्य देखा था। तो डीसी मोटर में क्या देखा आप लोगों ने, ये देखा कि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ। मैं आपको बताता हूँ डीसी मोटर की गति किन किन तथ्यों पर निर्भर करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीसी मोटर से क्या चाहिए अपने को। आप लोगों ने डीसी जनरेटर का अध्ययन किया तो आप लोगों ने देखा कि सारी बातें ईएमएफ की, कितना वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, कितना बाहर आएगा, अंदर कितना होगा, विद्युत शक्ति कितनी उत्पन्न होगी, सारी बातें किसकी की, ईएमएफ के बारे में, विद्युत शक्ति की बातें की। क्योंकि डीसी जनरेटर से उम्मीद विद्युत शक्ति की रखते हैं और विद्युत शक्ति ही वो देता है। लेकिन यहां किसकी बातें करेंगे, जब तक डीसी मोटर पढ़ेंगे, वहां डीसी जनरेटर की बात अलग थी, यहां डीसी मोटर पढ़ेंगे तो यांत्रिक शक्ति की बात करेंगे और डीसी मोटर की गति की बात करेंगे। यांत्रिक शक्ति कितनी मिलेगी, क्यों मिलेगी, कम क्यों मिलेगी, पैदा कितनी होगी, ठीक है ना, गति कितनी होगी, घटा कब सकते हैं, बढ़ा कब सकते हैं, किसकी बढ़ेगी, किसकी घटेगी, तो यांत्रिक शक्ति और डीसी मोटर में गति की बातें करेंगे। तो बात आ गई कि डीसी मोटर में सबसे पहले देखा आप लोगों ने ईबी उत्पन्न हुआ, डीसी मोटर में ईबी, ईबी का मतलब बैक ईएमएफ, इसको काउंटर ईएमएफ के नाम से जानते हैं, विरोधी विद्युत वाहक बल कहते हैं। ईबी का मान आप लोगों ने देखा था, क्या देखा था, कि ईबी डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के समान ही होता है,
तो फाई जेड एन पी 60 × A, ये देखा आप लोगों ने। चाहे जनित्र में ईएमएफ का सूत्र मान लो और चाहे आप ईबी का सूत्र मान लो, एक ही होता है। ये पिछली वीडियो में आप लोग अच्छे तरह समझ सको, नहीं समझे तो आप पिछली वीडियो को अवश्य देख लो, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। ये वोल्ट में हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात क्या देखी आप लोगों ने कि ईबी का मान, ये देखा ईबी का मान हमेशा कम होता है वी से, यहां वी और ई इसके अंदर उत्पन्न हुआ वो, ये कम होगा। अब कितना कम होगा ये देखो, ईबी का मान कितना कम होगा, ईबी बराबर आप लोगों ने ये देखा कि वी माइनस आई ए आर ए, ये आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप था, ये देखा आप लोगों ने। दो बातें ये देखी कि ईबी का एक सूत्र ये था, अब वी का मान निकालें कि सप्लाई वोल्टेज का मान कैसे निकालेंगे, अप्लाई वोल्टेज का मान इसमें दिए है वो, तो ईबी प्लस आई ए आर ए, ये भी आप लोगों ने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर ली थी ये। तो आज देखेंगे कि ईबी का एक सूत्र तो ये था, ईबी का एक सूत्र ये था, ये अब आया कैसे, ये कैसे क्या होगा, ये आप लोग जब इसको पीछे से अध्ययन करते आओगे तो आप लोग अच्छे तरह से समझ जाओगे। फिर भी मैंने पिछली वीडियो में इसको अच्छी तरह जानकारी आपको दी थी और आपको समझाया था। तो ईबी का एक सूत्र ये आ गया, वी वी क्या है, ये अप्लाई वोल्टेज है, आई ए आर ए, ये मैंने आपको बिल्कुल एग्जाम्पल की दृष्टि से बहुत अच्छी तरह समझाया था, ये कैसे आया, ये कैसे आया। तो आपके पास ईबी के हो गए दो सूत्र, ठीक है, एक ईबी का ये, एक ईबी का ये, तो दोनों बराबर ही हैं। चाहे आप ईबी को इसके बराबर मान लो और चाहे आप ईबी को इसके बराबर मान लो, ईबी का मतलब बैक ईएमएफ इसके बराबर मान लो, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, ये तो होगी बात इसकी। अब आप लोग देखोगे कि डीसी मोटर की गति आर्मेचर की गति कितनी होगी, किन किन तथ्यों पर निर्भर करेगी, उनकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। देखो अब आप लोगों को देखोगे कि ईबी बराबर दो चीजें आ गई थी, ईबी बराबर एक तो देखो ईबी बराबर ये और ईबी बराबर ये, दोनों के बराबर दोनों सूत्र लिख देते हैं। मैं आपको अभी कैलकुलेशन जो फॉर्मूले होते हैं वो बताता हूं आपको, फिर उनकी कैलकुलेशन करेंगे। देखो ईबी का एक सूत्र ये, चलो लिख लेते हैं ईबी बराबर फाई जेड एन पी अपॉन 60 × A बराबर एक ईबी ये अपने पास वी माइनस आई ए आर ए। गौर से देखना, दो चीजें मैंने लिखी हैं क्योंकि दोनों चीजें ईबी बराबर हैं, बैक ईएमएफ के बराबर हैं। अब आप लोग क्या पाओगे, आप लोग ये पाएंगे इसमें एन का मान, अपने को सिर्फ गति का अध्ययन करना है, गति क्या होगी, किस पर निर्भर करेगी, कितनी होगी, किस मोटर की गति घटेगी, किसकी बढ़ेगी, वो देखनी है। तो अब ये आगे बात यहां से एन, एन बराबर क्या लिखे दोस्तों, यदि समीकरण आपको हल करना आता तो बहुत आसान चीज है, नहीं आता तो मैं बता दूंगा आपको। एन बराबर देखो यहां इसको लिया आप लोगों ने, इसका मान ज्ञात करना है, तो बाकी ये चीजें इसके जो है ये सारे के सिरे नीचे अपॉन में बटे में चले जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं, v माइनस आई ए आर ए अपॉन फाइ जेड पी अपॉन 60 × A। ये देखिए आप लोगों ने इस फॉर्मूले को यदि आगे हल करते हैं तो ये आता है। अब देखो आगे इसको और हल करके देखें, देखो इसको यदि आगे और हल करते हैं, n बराबर क्या लिखें, देखो v माइनस आई ए आर ए अपने स्थान पर है, नहीं समझ में आता तो बताना, ये रखा। अब इसको यदि हल करते हैं तो आपको पता है कि बट्टे के नीचे यदि अब भाग में यदि भाग होता है, बट्टे के नीचे बटा होता है, तो उसको उल्टा कर देते हैं, तो क्या करेंगे 60 × A ऊपर चला जाएगा, गुणे में मतलब कि मल्टीप्लाई में चला जाएगा 60 A, ठीक है, ये 60 × A और ये रह गया नीचे फाई जेड पी। अब गौर से देखना, ये नीचे रहा 60, ऊपर ए चला गया। अब आप लोगों को पता है यहां से डीसी मोटर की बातें करें, आप लोगों ने ये पोल है, गौर से देखना ये पोल है, जब डीसी मोटर की मैन्युफैक्चरिंग की, डीसी मोटर का निर्माण किया तो पोल, चार पोल लगाए, दो पोल लगाए, जब तक उसकी संरचना नहीं बदलेंगे तब तक दो ही पोल रहेंगे, तो पोल स्थिर हो गई, चलो ये बात भी होगी। आर्मेचर में चालक लगाए, आर्मेचर में वाइंडिंग कर दी, माना कि आर्मेचर में 500 चालक लगा दिए, जब तक यही आर्मेचर रहेगा 500 चालक ही रहेंगे, ये बदलने वाले नहीं है, तो ये भी स्थिर रहेंगे, चलो ये स्थिर हो गया। देखो आर्मेचर में चालकों की संख्या स्थिर होगी और ये इसका मान स्थिर हो गया, चलो दो चीजें स्थिर होगी। जब आर्मेचर में आपने वाइंडिंग की, लेफ्ट वाइंडिंग की या वेव वाइंडिंग की, तो समानांतर पथों की संख्या स्थिर होगी, चलो वो भी स्थिर होगी, तो समानांतर पथों की संख्या स्थिर होगी, तो ये चीजें स्थिर होगी। कौन कौन सी, देखो इसमें ये स्थिर हो गया, ये स्थिर हो गया, ये स्थिर हो गया, ये चीजें सारी स्थिर हो चुकी हैं। तो क्या लिखेंगे आगे, देखो यहां लिखेंगे आपको पहले बताया ये स्थिर, तो 60 × A कांस्टेंट, नीचे क्या स्थिर है, जेड चालकों की संख्या, ये आर्मेचर में चालकों की संख्या है, ये जब डीसी मोटर में आर्मेचर पर वाइंडिंग करते तब निर्धारित हो जाती है जेड, ये पी क्या है, पोलों की संख्या, ये हो गए आपके स्थिर, ये बदलने वाले नहीं है, तो उसको कहेंगे ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट जिसका नियतांक है,
ये नियतांक हो गया, इसकी ये इसका मान बदलने वाला नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर लिख सकते हैं के, के ये नियतांक हो गया, इसके पूरे के पूरे बराबर के लिखेंगे, जेड पी के बराबर। तो चलो इसके बारे में के लिखते हैं, इसको उठा के लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे एन बराबर के। अब के लिख दिया, बच क्या गया अपने पास, ये बच गया यार, ये तीन चीजें ये बच गई, तो लिख दो वी माइनस आई ए आर ए, ये लिख दिया यहां पे, और ये जेड पी आ गया यहां पे, तो बच क्या गया फाइव बच गया, ये बच गया। चलो ये बातें आगे निर्धारित होगी। अब आप लोगों को पता है कि ई बी बराबर वी माइनस आई ए आर ए होता है, तो यहां लिख सकते हैं कि वी माइनस आई ए आर ए बराबर ई बी होता है, तो इसके बराबर ई बी लिख सकते हैं, तो लिख दो एन बराबर के ई बी अपॉन फाइव। चलो ये आ गया अपना एक निष्कर्ष निकल के आ गया। इस निष्कर्ष से क्या समझ सकते हैं अपन, देखो ये के है, मैंने आपको बताया कि जब किसी के ऊपर ऐसा लगाते हैं कि ई बी समानुपाती, आपको लगाऊं मैं फाई, ये लगा देता हूं मैं, एन लगा देता हूं, ई बी समानुपाती फाई एन, तो इस समानुपाती का मतलब क्या है, यहां कुछ ना कुछ नियतांक है। यदि यहां मैं बराबर लगाऊं ऐसे, तो इसका मतलब यहां नियतांक जो समानुपाती हटाया उसके बराबर ही लिखना पड़ेगा, यहां के था के लगा देते हैं, और के का मान उस राशि के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसकी बातें कहां कर रहे हो। तो यहां के है, इसके बराबर इसको बराबर को हटा दे, इसको हटा दे, के लिख देंगे, ये लिख देंगे के बराबर, नहीं सॉरी एन समानुपाति, ये समानुपाति लगा दिया, तो अब बराबर भी हट गया के भी हट गया, तो लिख सकते हैं ई बी अपॉन फाइव, ये हो गया आपकी बातें। बहुत छोटा मतलब कि बड़ा निष्कर्ष निकल के आ गया कि ई बी समानुपाति फाइव हो गया। इसका मतलब क्या समझ सकते हैं कि ई बी का मान घटेगा, गौर से देखना, ई बी का मान घटेगा तो मोटर की गति घटेगी, ई बी का मान बढ़ेगा तो मोटर की गति बढ़ेगी, फ्लक्स का मान, कौन सा फ्लक्स, ये मुख्य फ्लक्स मैंने आपको बताया, ये चुंबक के पोलों द्वारा उत्पन्न होता है, इसका मान घटेगा तो मोटर की गति बढ़ेगी, क्योंकि विलोमानुपाती है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि ये देखा ई बी डीसी मोटर की गति, डीसी मोटर की गति एन ई बी के समानुपाती होती है, मोटर की गति ई बी के समानुपाती और फाई के विलोमानुपाती। दो बातें आ गई आपके सामने, तो क्या लिख सकते हैं एन समानुपाती ई बी और एन समानुपाती वन अपॉन फाई, दो चीज आती है परीक्षा में, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट बार बार पूछे जाते हैं कि मोटर की गति किसके ऊपर निर्भर करती है। मोटर की गति दो तथ्यों पर निर्भर करती है, मोटर की गति ये होगी ई बी के संभाव्य की एमएफ के समानुपाती और फ्लक्स के विलोमानुपाती होती है। तो डीसी मोटर की गति दो तथ्यों पर निर्भर करेगी, तो अब क्या लिख सकते हैं कि डीसी मोटर की गति दो तथ्यों पर निर्भर है, तो अब बताइए आप गति कब घटेगी। आपको पता है ई बी घटेगा तो गति घटेगी, गति कब बढ़ेगी, ये ई बी बढ़ेगा तब बढ़ेगी, गति कब घट सकती है जब फ्लक्स का मान बढ़ेगा, ये दो चीज याद रखना, मैं जो आपको लगा ई बी कब, ये गति कब घटेगी जब फ्लक्स का मान बढ़ेगा, और गति कब बढ़ेगी जब फ्लक्स का मान घटेगा। चार बातें निकल के आ गई आपके सामने, कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसका मतलब ये निष्कर्ष निकलता है कि डीसी मोटर की गति दो तथ्य पर बिल्कुल निर्भर करती है, एक डीसी मोटर के बैक ईएमएफ पर और एक दूसरा आता है डीसी मोटर के कुल चुंबकीय फ्लक्स में निर्भर करती है। अब कुल चुंबकीय फ्लक्स कब घटेगा, अब आप लोगों को पता है कुल चुंबकीय फ्लक्स कब घटेगा, देखो फील्ड वाइंडिंग ये है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे, विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा, और फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो मोटर की गति कम होगी। इसमें विद्युत धारा का मान घटाएंगे तो फ्लक्स का मान घटेगा और विद्युत धारा ये मोटर की गति बढ़ेगी। तो देखो शंट मोटर है, शंट मोटर में शंट वाइंडिंग के में विद्युत शंट वाइंडिंग में धारा का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो लगभग मोटर की गति स्थिर रहेगी, क्योंकि ये तो फ्लक्स तो घटने बढ़ने वाला है नहीं, तो मोटर की गति लगभग स्थिर रहती है। लेकिन सीरीज वाइंडिंग में फील्ड वाइंडिंग लोड के श्रेणी क्रम में होती है, सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग लोड के श्रेणी क्रम में होती है, तो लोड का मान घटेगा तो मोटर की गति धारा का मान घटेगा तो ये अपने गति का मान बढ़ जाएगा। इसलिए कहते हैं डीसी सीरीज मोटर होती है तो नो लोड पर चलाते हैं, नो लोड पर चलाएंगे, लोड है नहीं तो फ्लक्स का मान बिल्कुल कम होगा, क्योंकि धारा ही नहीं होगी, धारा नहीं होगी तो फ्लक्स का मान सबसे कम होगा, और फ्लक्स का मान सबसे कम मोटर की गति अत्यधिक होगी, इसलिए वहां उस मोटर को कभी बिना लोड नहीं चलाते, क्योंकि मोटर की गति अत्यधिक होती है जिसका कोई अंदाज नहीं होता है कितनी होती है डीसी सीरीज मोटर की गति।
दोस्तों ये आपका था क्या कि डीसी मोटर में गति किन किन तथ्य पर निर्भर करती है और कहां इनका मान निर्भर करता है। अब आप लोग सोचोगे कि यही बात आती है, देखो ईबी का मान, ठीक है ना, ईबी का मान यदि यहां से निकालें ईबी बराबर, तो आप लोगों ने देखा था ईबी समानुपाति, देखो यहां निकालते इसको दोनों को गुणा करेंगे तो फाई और एन, पता कि नहीं, ये दोनों में संबंध है। तो ईबी का मान कब घटेगा, जब गति घटेगी। ईबी का मान कब बढ़ेगा, जब गति बढ़ेगी। ईबी का मान मतलब कि बैक ईएमएफ का मान कब घटेगा, जब फ्लक्स का मान घटेगा, और बैक ईएमएफ का मान कब बढ़ेगा, जब फ्लक्स का मान बढ़ेगा। ये तो पिछली वीडियो में आप लोग देख लिया था। तो ये थी आपके संपूर्ण, अब डीसी मोटर की गति के तथ्य बारे में और देखते हैं कि इसमें डीसी मोटर की गति मापी किस में जाती है, इसकी इकाई क्या होती है। देखो मैंने आपको बताया था इसकी इकाई आरपीएम होती है, आरपीएम इसको कहते हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट। आप इसको राउंड पर मिनट लिख देते हो, दोनों में अंतर बताता हूं फिर मैं आपको। मैं रिवॉल्यूशन पर मिनट क्या है, किसी अपनी धुरी के चारों ओर चक्कर लगाना। राउंड पर मिनट किसी के चारों ओर चक्कर लगाना, अपनी धुरी पर चक्कर लगाना रिवॉल्यूशन पर मिनट, और किसी वस्तु या किसी की चीज चारों ओर चक्कर लगाना वो होता है राउंड पर मिनट। तो क्या कहते हैं, मोटर अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, इसको रिवॉल्यूशन पर मिनट कहते हैं। लगभग ये आप देखोगे तो राउंड राउंड पर मिनट लिख लिख के आते हैं, राउंड पर मिनट गलत है। मोटर की गति आरपीएम में मापी जाती है, जो टेकोमीटर के द्वारा मापी जाती है, और राउंड पर मिनट नहीं रिवॉल्यूशन पर मिनट में मापी जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ मैंने आपको बताया डीसी मोटर की गति क्या होती है, किन किन तथ्यों पर निर्भर करती है, और जहाँ इसका मान कहाँ अधिक होता है कहाँ कम होता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का एनीमिक पैटर्न के आधार पर कंप्लीट सिलेबस का अध्ययन करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, थैंक यू, धन्यवाद।